हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स एक स्वीट डिश, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और अच्छी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये है इंस्टेंट चाइना ग्रास। चाइना ग्रास बनाने के लिए इसका पाउडर है, सब कुछ मिला हुआ है इसमें, और एक दूसरी तरह का भी आता है, वो पाउडर फॉर्म में नहीं होता है। तो चलिए हम ये बनाते हैं। ये आधा किलो मिल्क में पूरा पाउडर डलेगा, पूरा पैकेट। तो चलिए हम ये बना के आपको दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली है स्वीट डिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने चाइना ग्रास की स्वीट डिश बनाने के लिए गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई चढ़ा दी हमने। इसमें हम आधा लीटर पूरा फुल फैट क्रीम वाला दूध डाल देंगे। अब इसको हम बॉयल करेंगे। तो चलिए इसको इसका बॉयल आने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा दूध बॉयल हो चुका है। अभी चाइना ग्रास का पैकेट हमने खोल लिया, पूरा पाउडर हम इसके अंदर डाल डाल के मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम ये चाइना ग्रास का पाउडर डालेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक दो मिनट पकाना है इसको। ये पूरा पैकेट आधा लीटर दूध के लिए होता है। इसमें सब कुछ मिला होता है, इसमें शक्कर, फ्लेवर, कलर सब कुछ मिला होता है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता है। ये बनी बनाई आती है, ये इजीली मिल जाएगी। किसी बेकरी का जहाँ सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगी आराम से। बस एक दो मिनट ऐसे ही पकाएंगे इसको। तो चलिए इसको बॉयल आने देते हैं। मिक्स कर लिया हमने। तो देखिए, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया। तो देखिए, दूध में बॉयल आ रहा है। एक दो सेकेंड और पकाएंगे, उसके बाद फिर फ्लेम को हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर और, फिर फ्लेम को हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़े की स्वीट डिश लगती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई फैली हुई चीज़ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। तो देखिए, ये हमारा मिल्क जो हमने बनाया है, इसको हम इसमें डाल देंगे प्लेट में। आपको जिसमें भी जमाना हो आप उसमें डाल दीजिए। ये बहुत अच्छी तरह से जम जाता है। उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, जम जाएगा। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको रखना है तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर ही आधे घंटे में एकदम सेट हो जाएगा। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे, काजू बादाम हमने महीन महीन कतर लिए हैं, इसको डाल देंगे ऊपर से। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसको रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए रख देते हैं, इसको सेट होने देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमारा चाइना ग्रास बिल्कुल सेट हो चुका है, बिल्कुल जम गया है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब ये पलटने से भी नहीं गिरेगा, बिल्कुल सेट हो चुका है ये। चलिए हम इसको कट करते हैं। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं पीसेस में। आप जिस शेप में काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं, आप जिस शेप में भी काटना चाहते हैं इसको कट कर सकते हैं। हम इसको बर्फी की शेप में कट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने ये एक पीस निकाल लिया।
देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से ये बर्फी की तरह निकल आई है। तो देखा आपने कितने इजीली बन जाती है ये स्वीडिश। तो देखिए हमारी चाइना ग्रास की बर्फी या मिठाई तैयार हो चुकी है। तो देखा आपने कितनी इजीली तैयार हो जाती है, मिनटों में तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए ज़रूर और बताइए हमको कमेंट करके कैसी बनी, बहुत अच्छी लगती है ये। हमने फ्रेंड्स इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं डेकोरेशन के लिए, आपको जो जिससे भी डेकोरेट करना है तो आप टूटी फ्रूटी चेरी कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो मन करे आप वो डाल सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई मेरी आज की स्वीट डिश ये रेसिपी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।